पर किसी ने यहाँ पे जला दिया है सब कुछ। एक मिनट, ये देखता हूँ ये क्या चीज़ है, कोई मार्केट टाइप की सी लग रही है। मैं ब्रिज देखा था उस साइड से, ओ तेरी, अब आगे देखा ही नहीं। घोड़ा मर गया क्या? पिछली वीडियो में अपने एक गैंग के एक मेंबर माइका को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, जिसको मुझे छुड़ाना था। और मैं वैलेंटाइन सिटी में गया था लैनी के साथ, जहाँ पे उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रामा करवा दिया था। बट मुझे पता चला कि जो अपने गैंग का मेंबर है माइका, वो स्ट्रॉबेरी सिटी में है, और स्ट्रॉबेरी सिटी दूसरी जगह है। तो मुझे स्ट्रॉबेरी सिटी के पुलिस स्टेशन में जाना है और वहाँ पर ट्राई करना है कि मैं माइका को जो है छुड़ा सकूँ। तो अभी मुझे माइका को छुड़ाने के लिए अकेले ही जाना पड़ेगा, बाकी सब गैंग मेंबर तो जो है अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और ये लैनी ही घूम रहा है ना सामने, ये तो लैनी ही है, इसकी तो हिम्मत नहीं होगी वहाँ जाने की, और ना मैं इसको ले जाने वाला, क्योंकि इसने जो पिछली बार वहाँ पे कांड कराया था उसके बाद तो मैं बिल्कुल लेके नहीं जाऊँगा इसको। और बाकी माइका से वैसे अपनी इतनी बनती नहीं है, बट अपने गैंग का मेंबर है और डच ने कहा उसको छुड़ाने के लिए, डच की उससे काफ़ी ज़्यादा बनती है, तो इसलिए मुझे उसे छुड़ा के लेके आना पड़ेगा। वैसे अगर डच फोर्स नहीं करता तो मैं उसको बिल्कुल छुड़ाने नहीं जाता। बाकी अभी स्ट्रॉबेरी सिटी का एक बार मैप देखना पड़ेगा, स्ट्रॉबेरी सिटी चलना पड़ेगा और वहाँ पर देखते हैं क्या कर सकते हैं उसको छुड़ाने के लिए। अभी मैंने क्या सोचा हूँ कि जो अपना काम था, जो डेब्ट रिकवर करना था, वो अभी पूरा नहीं हुआ है, और अभी जो है डेब्ट रहता है 2 या 3 के पास रहता है। और अभी स्ट्रॉस ने आके बोल भी दिया था थोड़ी देर पहले कि उसे जो है जल्दी कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहिए, मतलब डेब्ट रिकवर करके लाऊं या फिर मैं उन्हें यहाँ उठा के लेके आऊँ। बाकी स्ट्रॉस ये सामने बैठा हुआ है, एक बार से फिर से बात करता हूँ, अगर थोड़ा टाइम बाद जा सकूँ मैं, पहले माइका को छुड़ा लाऊँ। बाकी ये बताएगा क्या करना है अभी, इससे एक मिनट पूछ लेते हैं। तो इसने कह दिया सून प्लीज, मतलब पहले वही काम करना पड़ेगा। तो चलते हैं एक बार, पहले पास में ही है एक रेंच है, उसके पास जाना है और वहाँ पे देखते हैं कि अमाउंट रिकवर हो पाता है या नहीं हो पाता। बाकी अपना घोड़ा जो है सामने खड़ा हुआ है, ठीक है अपना घोड़ा ले लेते हैं यहाँ से और चलते हैं। पहले डेप्ट रिकवर करके लेके आता हूँ, क्योंकि स्ट्रॉस ने कहा है तो बात तो माननी पड़ेगी। और उसकी लोकेशन रेंच की इधर की साइड ही है, एक बार मैं मैप पे भी उसकी लोकेशन सेट कर लूँ। तो ये यहाँ पे जाना है मेरे को, और यहाँ पे मैं जो है एक इसका पॉइंट सेट कर लेता हूँ, बस यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे ये रास्ता रिवर के साथ साथ ही है। ये भेड़िए हैं, नहीं भेड़िए से लग रहे थे भाई, पता नहीं क्या अटैक तो किया, नहीं छोड़ो, रिवर के साथ साथ ही चल रहे हैं बस। तो ये रास्ता तो ऊपर की साइड ही जा रहा है। अच्छा ये वो रास्ता दूसरा था, एक ऐसे ही रास्ते पहले मैं गया था जहाँ पे रिकवरी करने गया था, वो भी जो है ऊपर की साइड था, बट ये रास्ता दूसरा है। घोड़े का स्टैमिना फिर से खत्म हो गया, इस घोड़े का स्टैमिना काफ़ी कम है, घोड़ा ही मुझे चेंज करना पड़ेगा। यही वो रेंच है, रेंच पे वैसे एनिमल्स वगैरह तो नहीं दिख रहे, सामने एक कुत्ता बैठा हुआ है क्या ये? हाँ है, एनिमल्स आवाज़ आ रही है। ये अबे भौंक क्यों रहा है? चलो चुप हो गए तो। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है ये बकरियाँ, और बाकी अंदर से भी कुछ आवाज़ आ रही थी, एक मिनट अंदर खोल के भी देख लेते हैं अंदर क्या है। यहाँ पे तो काव है, ये तो खाली पड़ा हुआ है इसका पूरा का पूरा। और अब इसके घर के अंदर चलता हूँ, घर के अंदर मिलेगा मुझे। यहाँ पिक्स हैं, थोड़े पास डेप्ट रिकवर करने के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें, इसकी बकरी बकरी उठा के ले जाऊँगा अगर जो है इसने डेप्ट ऐसे नहीं दिया तो। एक बार अंदर चल के बात करता हूँ क्या होता है, नॉर्मली दे दे ऐसी। गेट तो लोक है, आवाज मारता हूँ इसको, आ रहा है नहीं आ रहा? गेट तो लोक कर रखा है, खिड़की में से देखना पड़ेगा मुझे ना, लग रहा है मुझे अंदर ही है। अरे शीशे भी कैसे, अंदर का कुछ दिख ही नहीं रहा। एक मिनट, यहाँ क्या सामान पड़ा हुआ है? ये तो छोड़ो, ये नहीं चाहिए। न्यूज़पेपर रखा हुआ है यहाँ पे, और ये है कहाँ पे? वो सामने काम कर रहा है, सामने काम कर रहा है, देख गया। Whatever do you want? Come here, you maggot. Please, sir. उत्तरी मार रहा है, मैं आराम से बात करने आ रहा हूँ, मार क्यों रहा है? Mr. Thomas Downs, sir, please. You owe me money. Oh no no, I'm. मैं मार क्यों रहा था पहले? Why did it have to come to this, huh? Believe me, sir, I didn't want this either. चल पैसे दे फटाफट अब। अब इसकी बातें सुन के लग तो रहा है कि ये बेचारा जो है सही में इसके पास है नहीं देने के लिए, बट क्या करूं वहाँ पे जो है इतना प्रेशर है डेप्ट रिकवर करने का, तो डेप्ट रिकवर करना ही पड़ेगा। You
borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him. You took the money. He wants it back. What's not to understand? Where's our money? I don't have it. ये तो मुझे ज़्यादा ही बीमार लग रहा है, इसको लग तो रहा है इसको छोड़ दूंगा और इस प्रो से बात करके देख लेंगे एक बार, बट देखते हैं थोड़ा सा इसको धमका के क्या पता दे ही दे। Thomas, what are you looking at? Thomas, I said what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more. Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. अब उससे तो पैसे मिले नहीं, अब एक काम करता हूँ वापस ही चलता हूँ और वापस चल के बता देता हूँ स्ट्रॉस को, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा उसके पास पैसे हैं। एक तो वो इतना बीमार है, उसको ज़्यादा जो है धमका भी नहीं सकते, छोड़ देते हैं अब ऐसे ही ना, अब देखते हैं स्ट्रॉस क्या कहता है। और बाकी एक दूसरे डेप्ट और रिकवर करना है उनसे देख लेते हैं, उनसे रिकवर कर लूँगा। अब मैं आ तो गया हूँ यहाँ पर कैम्प के पास, अब एक बार बात करते हैं स्ट्रॉस से। वैसे तो वो नहीं मानने वाला, पर हो सकता है अगर मैं उससे बताऊँ उसकी कंडीशन तो वो मान जाए। और ये तो इधर नहीं, इधर तो स्ट्रॉस नहीं, स्ट्रॉस पीछे ही बैठा होगा अपने टेबल पे ही। अभी तो वैसे बारिश का मौसम भी हो गया, मौसम इतना ख़राब हो गया। कहाँ है स्ट्रॉस और ये कौन घूम रहा है? अच्छा ये तो अंकल घूम रहा है यहाँ पे, हाँ सामने जो है स्ट्रॉस वहाँ बैठा हुआ है सामने, ये स्ट्रॉ, हाँ स्ट्रॉस ही है। मेरे को लगा लैनी बैठा हुआ है, लैनी भी ऐसे ही हेट लगाता है जैसे स्ट्रॉस लगाता है। Ah, how did you get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. अब बता दिया है स्ट्रॉस को, अब मेरा काम पूरा हो गया है, अब वो अपने आप देख लेगा, मेरे को पूछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जो है वो बेचारा बीमार है, उसको मैं ज़्यादा कुछ कहना चाहता नहीं। तो अभी एक काम करते हैं, अभी माइका को छुड़ाने का देखते हैं, माइका को छुड़ा के ला पाऊँ आज तो। और बाकी यहाँ डच खड़ा हुआ है, डच से भी बात कर ले, ये कुछ और बताता है। तो वैसे तो अभी बारिश का मौसम हो रहा है, क्या बोलता है डच, एक बार डच से देख लेते हैं। Yeah. When are you going to meet Trelawney and the others? If there's a chance to get to Sean. I know. I'm on it, I promise. तो इसने तो ऐसा कुछ स्पेशल बताया नहीं। तो बारिश शुरू हो गई, मौसम ज़्यादा ही ख़राब हो गया है, काफ़ी तेज़ बारिश आने वाली है। तो अभी तो नहीं जा सकता, इतने बारिश रुकती है या फिर नेक्स्ट डे होता है इतने मैं सो जाता हूँ, और अभी नेक्स्ट मॉर्निंग तक ही सो लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तो हो गई, बारिश भी नहीं हुई है और मौसम भी ख़राब है, और ये यहीं पे खड़ा हुआ है। अभी वैसे सुबह सुबह का टाइम है, चल लेता हूँ अभी एक बार देख लेता हूँ माइका को, अगर छुड़ा के ला पाऊँ वहाँ से। तो काफ़ी दूर है ये रास्ता, तो चलो चलना तो है ही, छुड़ा के तो लेके आना ही है उसे। सुबह का टाइम है बट लग रहा है ऐसे रात हो रही हो। और वो बड़े वाला घोड़ा मेरे को काफ़ी पसंद है, बड़े लात मारते छोड़ो इसको। और ये वैसे अभी ट्रेंड भी नहीं है और ये खुला हुआ पड़ा हुआ है ऐसे। चलो अपने इस वाले घोड़े को लेके चलते हैं, ये बार जा ठीक है। यहाँ से रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी और सामने एक घोड़ा और खड़ा हुआ है और इस पर सैडल भी लगी हुई है। एक मिनट, किसका है ये घोड़ा? सही लग रहा है वैसे तो देखने में, अपने वाला थोड़ा खच्चा टाइप का सा है, ये वाला ठीक है। अपने हॉर्स के सैडल में से ना एक गन निकाल लूँ, गन वहाँ चाहिए होगी, हाँ ये वाली गन ले लेता हूँ बस, क्योंकि ये वाली की जरूरत पड़ेगी मेरे को ना। ये इस वाले घोड़े को लेके चलते हैं बस। और वैसे मैं अपना घोड़ा छोड़ दिया है, किसी का अगर यहाँ पे कोई होगा जिसका घोड़ा है वो मेरा वाला घोड़ा ले जाएगा। ये घोड़ा थोड़ा तेज़ दौड़ रहा है, स्पीड भी ठीक है। और वैसे सामने एक और जा रहा है, उससे भी घोड़ा छीन सकता हूँ मैं, टक्कर ही मारनी है बस। नीचे वाले रास्ते पर जाना है, नीचे वाले रास्ते पर जाना है, छोड़ो जान दो से, ये वाला घोड़ा ठीक मिल तो गया। ट्रेन जा रही है यहाँ से, ट्रेन की लाइन मुझे क्रॉस भी करनी है। हाँ हाँ ट्रेन की आवाज़ तो आ रही है, ओह ये जा रही है, एक मिनट रुक जाता हूँ, ट्रेन की लाइन क्रॉस करनी है। चलो गए ट्रेन, यहाँ कोई फाटक वगैरह नहीं है, ऐसे ही पार करना पड़ता है। और ट्रेन के सामने आने पे तो घोड़े का काम तमाम तो हो ही जाना है। ये घोड़े का स्टैमिना फिर खत्म हो गया। वैसे घोड़े को कुछ खिला सकता हूँ, अभी देखना पड़ेगा, कुछ घोड़े को खिलाने के लिए होगा तो खिला दूंगा, ये तो सिटी में पहुँच के देख लेंगे वहाँ पे कुछ मिलेगा घोड़े के खाने के लिए तो उसको दे दूंगा, क्योंकि अभी इसकी एनर्जी बिल्कुल ड्रॉप हो चुकी है। हेल्प हेल्प, कौन चिल्ला रहा है, किधर है किधर है? आवाज़ तो आई किसी की, ओह यहाँ पे
कौन है कौन है? आजा आजा, अरे क्या हो गया? आजा आजा पीछे पीछे जल्दी। बैठेगा पीछे घोड़े पे बैठ जा। पैर पैर चल के पीछे, मैं आराम आराम चल रहा हूँ। Okay, now where was I? Ah, yes. Oh, yes. There was some talk at the country club about this burgeoning little resort town called Strawdor. मेरे को ये आदमी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ये कोई घपला तो नहीं कर रहा? कहीं ये ऐसे बेवकूफ बना के लूटने वूटने के चक्कर में हो? कोई बात नहीं, ट्राई करेगा तो जाएगा काम से। हाँ, दौड़ दौड़ क्या? मैं तेरे चक्कर में बहुत स्लो काम हो रहा है। आजा पीछे पीछे, यहाँ पे यही रास्ता सीधा जा रहा है वहीं पे। तो ये स्ट्रॉबेरी सिटी में यहाँ पे मैं आ गया हूँ। सिटी तो काफ़ी ज़्यादा सही है। एक मिनट उतर के देखूँ, यहाँ साइड से झरना बह रहा है। तो ये रिवर है और सामने वहाँ पे झरना है। काफ़ी ज़्यादा सुंदर सिटी है ये तो। अब यहाँ पे देखना है पुलिस स्टेशन कहाँ पे है और वहाँ माइका को रखा भी है या कहीं और रखा है। और वैसे तो काफ़ी जो है शांत सी जगह लग रही है, ऐसा कुछ यहाँ पे शोर शराबा नहीं है। और इधर क्या है, ये होटल है यहाँ पे, और यहाँ पे जनरल स्टोर है, वेलकम सेंटर, ओ जेल सामने है ये। तो यहीं पे माइका को शायद रखा होगा। अब यहाँ पे जो है पहले मैं अंदर चल के देखता हूँ एक बार, नॉर्मली ऐसी बात करता हूँ, बताऊंगा नहीं मैं माइका को छुड़ाने आया हूँ, नहीं तो पुलिस वाले ने बचना मेरे को भी धर लिया यहाँ पे। हेलो सर, आई हैव कम फ्रॉम ब्लैकवाटर, आई एम ऑन द ट्रेल ऑफ अ डेंजरस गैंग, Como Driscoll. Heard you had some sort of incident. We don't deal with bounty hunters around here, son. तो मैंने इसको बताया कि मैं जो है Como Driscoll गैंग के लिए बाउंटी के लिए आया हूँ। मतलब बाउंटी हंटर्स होते हैं जो गैंग्स को पकड़ने में पुलिस की हेल्प करते हैं, तो उन्हें जो है इनाम मिलता है। बट इस पुलिस वाले मना कर दिया कि ये कोई बाउंटी नहीं दे रहे हैं बाउंटी हंटर्स को। बाकी ये तो मैं सिर्फ नॉर्मली बात करते के देखना चाह रहा हूँ कि एक बार यहाँ पे सिचुएशन है क्या। बाकी पुलिस वाला काफ़ी ज़्यादा अकड़ू टाइप का सा लग रहा है, तो बात करने तक को तैयार नहीं है। अभी मुझे बाहर जाके ऐसे ही देखना पड़ेगा कि यहाँ से कहीं का एक्सेस मुझे मिल जाए। और ये बारिश शुरू हो गई है और वैसे इधर ओ आवाज़ तो मुझे किसी की आई, एक मिनट, इधर की साइड से आई है। यहाँ पे साइड में नीचे खिड़की भी है। ओ ये रहा माइका यहाँ पे। चलो ये खिड़की में देख तो गया, इसका मतलब ये तो शोर हो गया कि ये यहीं पे है। I heard so much bluster out of your mouth these last six months, and now I got an opportunity to watch you be silenced. Well, you gotta do something. Why? I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me, and there's a whole town full of people wanting to see you swing. You got to do something, Arthur. भाई माइका जो है इसको बाहर तो निकालना है, वैसे निकालने का मन तो नहीं है क्योंकि इसे बनती बिल्कुल भी नहीं है, बट इसको निकालना पड़ेगा। और अभी दिक्कत ये है कि यहाँ पे पूरा टाउन जो है ये वाला, यहाँ पे मैं किसी को जानता नहीं हूँ, और ये पूरा टाउन हो सकता है मेरे खिलाफ हो जाए अगर मैं इसको यहाँ से निकाल के ले जाने लगूँ। और अभी वैसे कुछ ट्राई करते हैं, ये क्या रखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला हुक है ना इसमें, हाँ इसको ग्रैब करके देखते हैं ये खिड़की में तोड़ सकूँ तो। हाँ ठीक है, लगाता हूँ एक बार हुक इस खिड़की में, खिड़की निकल गई ना यहाँ से, तो फिर इसको बाहर निकाल लूंगा मैं। इसका लेवर कहाँ पे है? और ये क्या है, ये कुछ स्टीम स्टीम का है शायद ना, काम करेगा ये? ऐसे घुमाना पड़ेगा इसको ना, थोड़ा सा घुमाता हूँ इसको। ओह चलो स्टार्ट तो हो गया, ये इंजन ही है कोई स्टीम इंजन टाइप का सा। ओ खुल गई खिड़की, आप फटाफट बाहर निकल, आप भागना पड़ेगा यहाँ से। अबे ये माइका ऐसा बंदा है, इसीलिए मैं इसको जो है बाहर निकालना चाह रहा था। और इसने यहाँ पे ले लिए हैं पंगे, और ये यहाँ पे कवर लेता हूँ, बस ये पुलिस वाले से पंगा है, बाकी ये टाउन वाले। ओ हाँ
एक तो गया और पीछे भी कोई है शायद। ओ ये तो सारे टाउन वाले के खिलाफ हो गया है। ये सारे के सारे पुलिस वाले हैं क्या? थोड़ा सा और कवर लेना पड़ेगा। अभी तो बुलेट भी देखनी पड़ेगी, बुलेट भी चाहिए होंगी। और अभी लग गई है थोड़ी सी ना, मेरे को लग रहा है। अपना हेल्थ टोनिक निकाल लेता हूँ। अपना ना बैंड आना ही बांध लेता हूँ, अपनी शक्ल नहीं पहचाननी चाहिए किसी को, क्योंकि यहाँ पे हो गया काफ़ी बड़ा पंगा और ये बाद में आएंगे ढूंढने के लिए। और इसमें 16 बुलेट बची हैं, अपनी रिवॉल्वर में हैं 60 बुलेट। रिवॉल्वर निकाल लेता हूँ अब। कहाँ से चली? अरे एक तो एक छुप छुप के इतने सारी जगह बैठे हुए हैं ना। अबे तुमने ऐसे ही समझ रहा है क्या? सारे के सारे फ्लैट हो गए हैं, निकल लेते हैं यहाँ से। ऐसे ही निकलना पड़ेगा। चलो गया ये भी। और अपने घोड़ा कहाँ पे है यार? वो सामने से और भी आ रहे हैं। अबे थोड़ा कवर लेके चल ले। कितने हैं ये? कितने सारे हैं? पूरा टाउन ही लड़ रहा है गन लेके। एक तो यहीं पे है, एक तो इस साइड देखा मैंने भागते हुए ना। अबे आ निकल चल फटाफट। घोड़ा कहाँ गया? एक तो घोड़े का भी नहीं पता। मुझे शुरू ओ लग गई बुलेट यार, बुलेट लग गई। ये तो टाउन वाले भी लड़ रहे हैं पुलिस वालों के साथ ना। पहले लगा था सांड टाउन है बट ऐसा नहीं हुआ। ओ भाई अब हालत हो गई खराब। एक तो घोड़ा नहीं दिख रहा। अब ये यहाँ पे इनसे लड़े जा रहा है फालतू में यहाँ पे। अब भागता क्यों नहीं है? इसके दिमाग में शायद कुछ हो रहा है, मेरे को लग रहा है ये और कुछ करने के चक्कर में है। निकलना होता ना, अब तक निकल ले। ये उधर क्यों जा रहा है? दो दो घोड़े हैं यहाँ पे। अबे घोड़े ले निकल। चलो अब तो लग रहा है अब तो गए ये। बैठ जा घोड़े पे जल्दी से, निकल फटाफट। हो गए ये तो फ्लैट। अब पीछे देख लो, पीछे ना आ रहे हो। पीछे तो कोई आ नहीं रहा। अबे घोड़ा किधर को जा रहा है? सीधा निकल। वे कितने सारे पुलिस वाले इतने से टाउन में, इतना सारे पुलिस वाले। चलो गया ये भी। एक बार अपने एरिया में घुस जाए ना, उसके बाद तो फिर देख लेंगे। इसमें तो सिर्फ 7 ही बुलेट बची हैं और सामने से और भी आ रहे हैं। इन्होंने मेरे को लगता है 7 वाले टाउन के पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया है। चलो गया ये भी। निकल ले फटाफट, दौड़ जल्दी से यहाँ से। ये आते ही रहेंगे और अभी तो और भी जो है आ रहे हैं शायद ना। यार रास्ता तो मुझे याद है, यहाँ से निकलना है। बहुत तेज तूफान आने वाला है और अभी अपना कैंप थोड़ा सा दूर है यहाँ से। और ये इधर से कहाँ से लेके जा रहा है? इसके दिमाग में से कुछ और भी चल रहा है अभी। इसने गलत रास्ते पे लिया है ये। My way of saying thank you and thank you. There I was having a dull day only for you to liven it up by letting me help you shoot up half a town. You're a funny fellow, Arthur. I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. Bye now.
और ये माइकल का इतना ज़्यादा उल्टा दिमाग चलता है, अभी भी जो है इसको वहाँ पे स्ट्रॉबेरी के पास का एक कैंप है वहाँ जाने की लग रही है, और अभी भी अपने कैंप पे ही चल रहा। अब इसने कहा कि इसका जो एक अड्डा है जो स्ट्रॉबेरी के थोड़ा पास में जंगलों में है वहाँ पे जा रहा है, और इसको कोई डर नहीं है पुलिस वालों का, और ये तो कोई ऐसी नॉर्मल है पुलिस वाला नहीं है, पुलिस वालों की तो हैट ही अलग होती है। अब उसको मैंने बचा लिया, अब मैं डच को बता दूंगा कि हाँ उसको मैंने वहाँ से निकाल लिया है, और अब वो फ्री है, उसको जहाँ जाना है वो जाए, और बाकी उसने कहा कि वो डच से बाद में आके मिलेगा। और ये तो कोई हंटर लग रहा है, हाँ हंटर ही है, कोई हिरन वगैरह लेके जा रहा है। और मैं चलता हूँ कैंप की तरफ वापस, और कैंप का रास्ता यहीं से रिवर की साइड से था, क्योंकि मैंने आते टाइम ये वाला ब्रिज देखा था उस साइड से। ओ तेरी, अब आगे देखा ही नहीं, घोड़ा मर गया क्या, मैं घोड़े के लगभग गई क्या, नहीं ठीक लग रहा है, अभी घोड़े के लग जाती ना तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती, इसका भी आगे ध्यान रखना पड़ेगा। और वो सामने वाला रास्ता है क्योंकि मुझे याद है लेफ्ट साइड में ब्रिज आया था, रिवर के साथ साथ चलना है, क्रॉसिंग आएगी वहाँ से राइट में जाना है और फिर कैंप आ जाएगा। अभी देख लेता हूँ कुछ और मिल जाए, क्योंकि थोड़ी सी मुझे ना बुलेट्स कम पड़ रही हैं, बुलेट्स और लेनी है, और वैसे तो अभी एक और गन आ चुकी है और उसकी बुलेट्स भी काफ़ी सारी है, और किसी को थोड़ा बहुत धमका के ले लेंगे। और ये क्या है, अच्छा ये इधर से कोई ऐसे जा रहा है, और यहीं से शायद क्रॉसिंग है, नहीं क्रॉसिंग तो यहाँ से नहीं है, बट यहाँ पर कुछ ये क्या है, ये ऑयल फील्ड है या फिर किसी ने यहाँ पे जला दिया है सब कुछ। एक मिनट ये देखता हूँ ये क्या चीज़ है, कोई मार्केट टाइप की सी लग रही है, प्रोविजंस, हाँ यहाँ पे कोई स्टोर था, और इधर ये कुछ सैलों वगैरह है, और यहाँ पे शरीफ का ऑफिस था, तो यहाँ पे ये मतलब किसी ने जलाया है, यहाँ पे अटैक वगैरह करा है। अंदर खोल के देखूँ कुछ दिख जाए काम, ओ ये तो जेल है, और यहाँ पे क्या हो रखा है भाई, यहाँ तो खतरनाक काम हो रखा है ये वाली जगह, नहीं एक काम करता हूँ यहाँ से निकल लेता हूँ, अभी पंगे नहीं लेने, वैसे तो कोई होगा नहीं यहाँ पे क्योंकि यहाँ सब खंडर पड़ा हुआ है, बट हो सकता है अभी रिसेंट में ये कुछ हुआ हो यहाँ पे। अपने कैंप का रास्ता यहाँ से ऊपर से ही है, और एक मिनट इसके पास कुछ मिल सकता है क्या, चल बेहोश, 5 शॉटगन की गोलियां मिल गई हैं, थोड़ा और देख लेते हैं इस पर कुछ और सामान मिल जाए तो, गन ऑयल मिला है, मैंने सिर्फ टक्कर मारी उसको बाद में उठ के चला जाएगा। और बाकी सामने से 2 बंदे आ रहे हैं, इधर से निकल लूँ कहीं ऐसा ना हो ये पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। आज कौन ड्यूटी दे रहा है बाहर कैंप की सिक्योरिटी के लिए, जॉन दे रहा है, ओके तो सेफली इतना बड़ा पंगा लेंगे अपने कैंप के पास पहुंच गया हूँ। और जब मैं स्ट्रॉबेरी टाउन में घुसा था तो मुझे लगा था कि वहाँ के जो जितने भी लोग वहाँ रहते हैं वो बड़े शांत से होंगे, बट जब मैंने माइका को वहाँ से बचाने की कोशिश करी तब जो पंगा हुआ है उससे मैं मुश्किल से ही बचा हूँ। और यहाँ पे इनकी पार्टी वार्टी चल रही है क्या, वह डस्ट को इन्फॉर्म तो कर दूँ कि मैंने उसको बचा लिया, वैसे तो डस्ट को पता होगा अगर मैं आया हूँ। Looking for a peace offering, he said. चलो मैंने डच को बता दिया, अब डच को पता चल गया, और डच ने भी सीधी यही बात पूछी कि वो कहाँ पे है, यहाँ क्यों नहीं आया। अब जो है डच को भी पता है कि वो कैसा है। तो माइका को जेल से छुड़ाने के बाद इतने बड़े पंगे हुए हैं कि आज और पंगे लेने की हिम्मत नहीं हो रही, तो आज बस आराम करता हूँ। बाकी आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।